करते हैं। 100 साल से ज्यादा पुराना केस था और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने निर्णय आने से लगभग 20 दिन पहले कहना शुरू कर दिया कि निर्णय किसी के भी पक्ष में आए, किसी के भी खिलाफ आए, देश को एकजुट होकर भाईचारा बनाए रखना है, आपस में कोई मनमुटाव ना हो, देश में किसी तरह का कोई दंगा फसाद ना हो। हमने नए भारत की नींव रखी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने एकजुट होकर इस निर्णय का स्वागत किया, उसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रह सकते। हमारी पार्टी केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों पर नहीं लेती, वो देश हित में मुद्दा था। उसके बाद 1992 में जब नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सब बड़े नेता लाल चौक पर तिरंगा फहराने वहां पर गए, वो दूसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी मेरी, जब हमने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की और मेरी वो यात्रा जब यहां पर आई थी तो मुझे आज भी याद है 2011 में भाई सतपाल सत्ती जी हमारे यहाँ के विधायक थे, पूरी पार्टी ने जोरदार स्वागत किया। हम जब जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंचे तो हमें गिरफ्तार किया गया। मैं जिस रथ पर सबसे आगे खड़ा होकर तिरंगा झंडा पकड़कर खड़ा था, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार जी पीछे खड़ा होकर हौसला अफजाई कर रहे, आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं। लेकिन हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर की लगातार चलती गई। जब आपने मुझे फिर सांसद बनाया, मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो अमित भाई शाह ने गृह मंत्री होते हुए 370 और 35 से निजात दिलाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये हमारे विचार से देश के हित में, ये वोट बैंक की राजनीति होती तो सारी उम्र मुकदमे और ये मुद्दे जीवित रहते। 370 35 सदा के लिए खत्म हो गया, राम मंदिर का मुद्दा सदा के लिए खत्म हो गया और ट्रिपल तलाक जिससे हमारी मुस्लिम बहनों को मुश्किल आती थी, हमने उससे निजात भी मुस्लिम बहनों को दिलाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने आकर पहले 4 महीनों में सब करके दे दिया है मेरे भाइयों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि नीचे जब खुदाई हुई तब उसमें क्या क्या पाया गया, किससे उसका संबंध है, उस पर एक रिपोर्ट। और जब किसी को लगता है कि ये हिंदुओं ने सब किया है, ऐसा नहीं है। हमारी आजादी से पहले शायद 1848 के लगभग सबसे पहला मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज हुआ था तो सिख निहंगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिन्होंने उस स्थान पर जाकर पूजा करने का और मूर्ति स्थापन करने का काम करने का प्रयास किया। लगातार मुकदमे चलते के सब कुछ होता गया, लेकिन शायद इस देश का सबसे पुराना मुकदमा, उसका भी ऐसा नतीजा आया कि पूरी दुनिया भर में उसका स्वागत किया गया है। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई उसके लिए देना चाहता हूं।